हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। एंड सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर भाई तुम सभी लोगों को। आई विश कि भाई ये जो नया साल आने वाला है वो तुम्हारा अब तक का सबसे ज़्यादा बेस्ट साल बन जाए। एंड इसी होप के साथ भाई हमने यहाँ पे ये नया चैनल स्टार्ट किया है, जिस पे भाई हम लोग अपने जो भी गेम्स वगैरह खेलेंगे वो यहीं पे अपलोड किया करेंगे। तो एक मेरा पुराना चैनल था, तो बहुत लोग तो न्यू होंगे एंड बहुत लोग भाई मेरे पुराने चैनल से आए होंगे। तो पुराना चैनल भाई हमारा बंद हो चुका है और उसको तुम लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ये बोल दूंगा भाई, अनसब्सक्राइब कर दो उसको, क्योंकि उसको सब्सक्राइब करके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड अब जो भी होगा इसी चैनल पे होगा, तो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। एंड याद से भाई बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि हम लोग यहीं पे अब वीडियोज़ वगैरह अपलोड करेंगे जो भी गेम्स हम लोग खेलते हैं, जैसे कि जुरासिक वर्ल्ड गेम भाई हमारा सबसे पुराना गेम है, तो उसको हम लोग अब यहीं पे खेलने वाले हैं। एंड आगे की बात मैं अभी बताता हूँ कि भाई मैंने ये नया चैनल क्यों स्टार्ट किया। तो भाई हमारा जो पुराना चैनल था वो यहाँ पे हो चुका था डेड, ऐसा मुझे लगता था, लगता है भाई अभी भी, क्योंकि जो हमारा पुराना चैनल है उस पर व्यूज़ काफ़ी कम आते हैं यार। मतलब सब्सक्राइबर जितने हैं उतने व्यूज़ नहीं आ पाते। मतलब तुम लोग अच्छा खासा सपोर्ट दिखाते हो वहाँ पे भी, बट वीडियोस की रीच उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है। देखो हमारा जो गेम है उसके प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा कम है, बट इसका मतलब ये नहीं यार कि 300-400 व्यूज़ मतलब कुछ भी नहीं होते भाई। थोड़े व्यूज़ अच्छे आते हैं तो मज़ा आता है भाई। और वैसे भी टेड चैनल पर वीडियो डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ भाई, जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता था वैसे ही वीडियोस यहीं पे अपलोड करूँगा, क्योंकि भाई रेगुलर में अपलोड तो बहुत ही मुश्किल है भाई मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं जॉब वगैरह करता हूँ तो रेगुलर वीडियोस अपलोड कर नहीं पाऊँगा मैं। बट ठीक है भाई, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इस साल जो है हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करें भाई, कुछ करेंगे भाई इस बार, ठीक है ना। इस बार नहीं छोड़ेंगे भाई, इस बार रेगुलर होने का ट्राई करते हैं एंड देखते हैं भाई कितने दिन तक रेगुलर हो पाते हैं हम लोग। पूरा तो नहीं हो पाऊँगा बट ठीक है, हो जाएंगे। और आज भाई मैं क्या करने वाला हूँ, आज भाई मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा सा टिप्स वगैरह दे दूँ भाई जुरासिक वर्ल्ड गेम के बारे में। मतलब थोड़ा सा बता दूँ, अगर जो लोग नए हैं इस गेम के बारे में नहीं जानते हैं, तो हो सकता है मेरी वीडियो देख करके भाई वो लोग इस गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारी जो जुरासिक वर्ल्ड गेम की कम्युनिटी है वो थोड़ी सी और भी ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले गेम में चलते हैं। एंड मेरा पुराना अकाउंट भाई, हम लोग उसी अकाउंट को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि नया अकाउंट बनाया कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ये गेम बहुत बड़ा है, अभी इसी अकाउंट से मैं लगभग 5-6 साल तो खेल ही सकता हूँ भाई इस गेम को, इतना सारा कुछ है इस गेम के अंदर। तो सबसे पहले गेम में आ चुका हूँ मैं। एंड अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ भाई कि अगर तुम लोग इस गेम को स्टार्ट कर रहे हो तो तुमको क्या करना चाहिए भाई। तो सबसे पहले तुमको एक काम करना चाहिए, अगर तुम इस गेम को स्टार्ट करने वाले हो तो ये गेम भाई बहुत ही अच्छा है, पहले ही मैं बता देता हूँ। अगर तुम्हें डायनासोर वगैरह पसंद है तो भाई इससे बढ़िया कोई गेम नहीं है, इससे ज़्यादा डायनासोर मुझे नहीं लगता किसी भी गेम के अंदर होंगे। एंड ग्राफिक भी इसकी काफ़ी ज़्यादा सही है, बस कॉन्सेप्ट अलग है, तो भाई वो तो तुम देख ही सकते हो, अपना देख लेना भाई कैसा लगता है तुमको इसका, इस गेम का कॉन्सेप्ट। एंड अगर तुमने यहाँ पे गेम स्टार्ट किया है तो तुम्हें सबसे पहले एक काम करना चाहिए भाई, तुम्हें यहाँ पे करना चाहिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह की वीडियोस यहाँ पे लाने वाला हूँ, जो कि मैं पिछले भी चैनल पे अपलोड किया था, बट वो चैनल तो अब बंद हो चुका है, तो इस चैनल पे भी अब आने वाली है भाई। जो भी हमारा था पुराना टिप्स एंड ट्रिक वाली वीडियोस, वो सब अब इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तुम लोग अगर तुम लोग इस गेम को स्टार्ट करने वाले हो तो। एंड दूसरा काम तुम्हें यहाँ पे क्या करना है भाई, दूसरा काम तुम्हें करना है सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेना है भाई। यहाँ पे सेटिंग्स में तुम जा करके कनेक्ट विद फेसबुक यहाँ पे दिखा रहा है, और गूगल प्ले से भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दोनों जगह से लॉगिन कर रखा है, क्योंकि भाई
ये गेम बहुत लंबा चलता है, तो बीच में अगर अनइंस्टॉल हो गया गेम तो तुम्हारा जो भी इन गेम डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे बेटर है कि तुम लॉगिन कर लो ताकि तुम्हारा गेम हमेशा के लिए भाई सिक्योर हो जाए, तो ये कर लेना। एंड उसके बाद भाई मैं एक और कुछ बता देता हूँ तुम लोगों को। ओके, तो सबसे पहले आई थिंक मजूंगा सोरस मिलता है भाई, ये वाला डायनो मिलता है सबसे पहले खेलने के लिए। कोड 19 आया भाई, इसको कंप्लीट कर लूँ क्या? रुको भाई एक मिनट, बस इस कोड 19 को कंप्लीट करने दो। ऑलराइट भाई, तो कोड 19 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है, लेट्स गो। अभी मैं दिखा रहा था तुम लोग को भाई, सबसे पहले तुम्हें मिलता है मजूंगा सोरस, जो कि है एक कार्निवोरस डायनासोर, मतलब ये मीट खाता है भाई। और मीट खाने वाले डायनासोर हर्बीवोरस डायनासोर जो होते हैं, जो कि घास फूस खाते हैं, जैसे कि ये डायनो, इस डायनो को बहुत ही गंदे तरीके से मारता है। तो और एक यहाँ पे भाई मैं इमेज अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम इस गेम का सर्कल जो है वो समझ जाओगे। पर ये सर्कल कहीं और से दिखता है अभी, कोई बात नहीं, मैं इमेज अपलोड कर दूंगा तो तुम समझ जाओगे भाई इस गेम का साइकिल क्या है। मतलब जो हर्बीवोर डायनासोर है वो फ्लायर को डाउन कर सकता है इजीली, फ्लायर के अगेंस्ट वो बूस्ट मिल जाता है उसको। एंड जो फ्लायर है वो वाटर वाले डायनो को इजीली डाउन कर सकता है, उसको बूस्ट मिल जाता है। एंड जो वाटर वाला डायनो है वो कार्निवोरस डायनासोर जो होता है, जो मीट खाता है, उसको इजीली डाउन कर सकता है। ऑलराइट भाई, तो कोड 19 पे हमने कंप्लीट कर लिया है, लेट्स गो। अभी मैं दिखा रहा था तुम लोगों को भाई, सबसे पहले तुम्हें मिलता है मजूंगा सोरस, जो कि है एक कार्निवोरस डायनासोर, मतलब मीट खाता है भाई। और मीट खाने वाले डायनासोर हर्बीवोरस डायनासोर जो होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, जैसे कि ये डायनो, इस डायनो अगर क्या तुम्हें भाई सबसे तरीके से मारता है मजूंगा सोरस, तो और मतलब यहाँ पे भाई मैं इमेज अपलोड कर दूंगा, जिससे तुम इस गेम का सर्कल जो है वो समझ जाओगे अर्ली गेम में। ये सर्कल कहीं और से दिखता है, जो भी कोई बात नहीं, इमेज अपलोड कर दूंगा तो तुम समझ जाओगे भाई इस गेम का साइकिल क्या है। मतलब जो है भी वो डायनासोर है वो ढेर सारी बैटर फ्लायर को डाउन कर सकता है इजिली, फ्लायर के अगेंस्ट वो बूस्ट मिल जाता है उसको। एंड जो फ्लायर है वो वाटर वाले डायनो को इजिली डाउन कर सकता है, उसको बूस्ट मिल जाता है। एंड जो वाटर वाला डायनो वो कार्निवोरस डायनासोर जो होता है, जो मीट खाते हैं, उनको इजीली डाउन कर सकता है। और जो कार्निवोरस है वो वापस से भाई हर्बीवोरस डायनासोर को डाउन कर सकता है। तो इस हिसाब से तुम लोग टीम बना सकते हो भाई, अगर तुमने ये याद रखा है तो। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि भाई अगर तुम लोग, ये हमारा फ्लायर, मतलब अगर क्या तुम्हें भाई सबसे पहले मजूंगा सोरस को, मतलब मजूंगा सोरस के ढेर सारे तुम कोई ले सकते हो, ढेर सारे 10-10 लेवल के कर लेने हैं अगर हमारे अर्ली गेम में, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें जो भी फ्लायर मिलेगा उसके भी 10-10 लेवल के ढेर सारे कर लेने हैं। इससे क्या होगा कि तुम लोग इजीली टीम बना पाओगे अच्छी खासी, जिससे तुम लोग ढेर सारी बैटल जीत पाओगे। मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कॉमन डायनासोर है, इसमें हर्बीवोरस है, ठीक है ना। नहीं यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा, कोई बात नहीं, पीवीपी में चलते हैं। एंड सजेस्ट करूंगा भाई कि तुम लोग सीनोजोइक वर्सेस लैंड यहाँ पे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे कॉमन डायनासोर मिलेंगे। तो मैं ये बोल रहा था कि मजूंगा सोरस कहाँ गया हमारा, एक तुम ले लेना मजूंगा सोरस, ठीक है ना। एंड उसके बाद एक फ्लायर ले लेना भाई, ये हमारा फ्लायर हो गया। तो उसके बाद एक और कार्निवोरस हम यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा तुम्हारे पास दूसरा होगा, तुम कोई भी ले सकते हो। तो अगर हमारे अगेंस्ट में हर्बीवोरस डायनासोर आते हैं तो भाई हमारे पास दो दो कार्निवोरस है, ठीक है, तो ये दोनों तो बजा देंगे। और अगर हमारे अगेंस्ट में भाई ये आते हैं वाटर वाले डायनासोर, तो हमारे पास एक फ्लायर भी है जो कि वाटर वाले डायनासोर को इजीली डाउन कर देगा। तो मतलब इस टाइप की अगर तुम लोग टीम बनाते हो तो भाई तुम्हारे पास जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। एंड मैं तो सजेस्ट करूँगा भाई कि तुम लोग तुम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा डायनासोर पर अपने फूड वगैरह रिसोर्सेज वगैरह इन्वेस्ट ना करो तो ज़्यादा बेहतर है भाई। ओके, तुम लोग इसी टाइप के क्या करता है भाई, टीम पे इन्वेस्ट करो भाई अपने डायनासोर, मतलब अपने रिसोर्सेज को, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तुम लोग ज़्यादा बैटल्स लड़ पाओगे और ज़्यादा इवेंट्स को यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। बाकी भाई लेवल अप हमेशा करते रहना, क्योंकि भाई अगर तुम लोग लेवल अप नहीं करोगे तो भाई
गेम की जितनी भी चीजें उनको अनलॉक नहीं कर पाओगे, जैसे कि ट्रेड हार्बर, भाई ट्रेड हार्बर अगर अनलॉक कर लिया तो मैं बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो लेवल अप करने के भाई बहुत सारे तरीके हैं, वो भी बताता हूँ मैं। पहले ये वाली बैटल तो जीत लूँ तो देखो, हमारे अगेंस्ट में कोई भी टीम है भाई कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, बस इजी पीजी यहाँ पे एक अटैक कर दूंगा ये डाउन हो जाएगा, उसके बाद अबे यार मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। चलो कोई नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, अभी भी हम ये वाली बैटल जीत सकते हैं। इस टाइप के डायनासोर कलेक्ट, ओके तो देखते हैं क्या करता है भाई ये इसका टायरोसोरस। ओके इसने डायनो स्वाइप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी भी हम ये वाली बैटल जीत सकते हैं। हमारे पास सूचो वीमस है भाई, सूचो वीमस बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमारा। तो चलो अभी दिखाता हूँ मैं इसको, 1 2 3 4 चार अटैक कर दूंगा, इसने एक ही शील्ड लगाई है। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। और अब इसके पास पॉइंट्स आ जाते हैं भाई, 5 या 6 पॉइंट आ जाएंगे, बट कोई नहीं भाई, 6 पॉइंट आ गए। ये हमारे सूचो वाइबस को तो डाउन कर देगा, लेकिन हमारा अगला जो फ्लायर है वो इसको डाउन कर देगा। मतलब इस टाइप की टीम बनाओगे जीतने के चांस जो है वो 99% हो जाएंगे। बिगनर प्लेयर के लिए भाई मतलब बहुत सारी चीजें, कभी गड़बड़ हो गई तो ही तुम हारोगे, वरना तुम जीत जाओगे भाई। इस टाइप के अगर तुम टीम बनाते हो तो इस टाइप के डायनासोर ही कलेक्ट करना भाई, क्योंकि जितने ज्यादा डायनासोर उतनी ज्यादा बैटल्स, ठीक है ना। देख लो इजीली मैं यहाँ पे ये वाली बैटल जीत गया, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, आराम से जीत गया मैं, क्योंकि हमारे ऐसे टीम ही बनाई थी भाई। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या रिवॉर्ड मिलता है उसके बाद भाई। कोई बात नहीं, दूसरी टीम भाई मैं तुम्हें देना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे ये देख लो, ये जो फ्री का गिफ्ट आता है इसको तुम्हें कलेक्ट करना है एंड इसको ओपन करना है और यहाँ पे आना है, और यहाँ पे तुम एक एड देख के दोबारा इसको कलेक्ट कर सकते हो, और इसमें बहुत कुछ रहता है भाई। एक बिगनर प्लेयर के लिए भाई इसके अंदर बहुत सारी चीजें रहती है, तुम्हें ये मिलेगा तो तुम बोलोगे भाई हाँ भाई कुछ तो मिला है हमें, मतलब इतना ज्यादा इतने ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे ना तुमको उसके अंदर कि मतलब मजा आ जाएगा भाई। तुम लोग उसको कलेक्ट कर लिया करो और ऐड देख करके कलेक्ट कर लिया करो, ताकि दो बार तुम्हें कलेक्ट हो जाए वो ऐड। उसके बाद भाई मैं बोल रहा था लेवल अप करते रहना भाई, तो लेवल अप तुम यहाँ से कर सकते हो। ये देख लो यहाँ पे मिशंस आते रहते हैं, यहाँ से तुम इन मिशंस को कम्प्लीट करोगे तो लेवल अप होगा। एंड उसके बाद भाई मिलते हैं भाई तुम लोगों से अगली वीडियो में, लेवल अप हो जाएगा तो तुम यहाँ पे ये देख लो, ये ट्रेड हार्बर है, ये तुम्हारा एक बार अनलॉक हो गया भाई, तो तुम्हें अच्छे खासे रिसोर्सेस मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो।